नमस्कार, ईएमएस टीवी कैंपी लाइव बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश और खबरों की शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। इंदौर में आयोजित फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव के शुभारंभ में सीएम ने कहा, विश्व की सभी समस्याओं का हल भारतीय सोच और चिंतन में। फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर घोषणा पत्र किया जारी। और सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के कस्तूरबा नगर, गौतम नगर और रचना नगर में सड़क निर्माण का किया भूमि पूजन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव का शुभारंभ करने के बाद 23 देशों से आए अप्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विश्व की सभी समस्याओं का हल भारतीय सोच और चिंतन के जरिए किया जा सकता है। ये गर्व का विषय है कि अप्रवासी भारतीय आज भी विदेशों में भारत के जीवन मूल्यों और संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल, इंदौर नगर निगम की महापौर मानली गौड़, मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव के दूसरे दिन मध्य प्रदेश विजन 2022 के सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में विकास के साथ साथ लोगों में खुशी की भावना को मजबूत करने के लिए आनंद मंत्रालय का गठन कर विशेष पहल की है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बढ़ते तनाव के बीच में लोगों के चेहरे पर खुशी देखना बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 जनवरी से 20 जनवरी तक प्रदेश में प्रत्येक पंचायत स्तर पर आनंद उत्सव मनाया जाएगा। इस उत्सव में सभी वर्ग और सभी उम्र के व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव का समापन इंदौर घोषणा पत्र के साथ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के समाधान के लिए एनआरआई सेल का गठन करेगी, जो सिंगल विंडो के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ एमपी से प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो लोग देश और विदेश में उल्लेखनीय कार्य कर प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे, उन्हें मध्य प्रदेश सरकार हर साल मध्य प्रदेश रत्न का अवार्ड प्रदान करेगी। सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने आज राजधानी भोपाल स्थित कस्तूरबा नगर, गौतम नगर और रचना नगर में 50 लाख रुपए से अधिक लागत की सड़कों का भूमि पूजन किया। राज्य मंत्री सारंग ने भूमि पूजन कार्यक्रम में कहा कि नरेला विधानसभा क्षेत्र में 5 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। उन्होंने कस्तूरबा नगर में नर्मदा जल सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख लीटर क्षमता की पानी की नई टंकी निर्माण करवाने का आश्वासन भी दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।